नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर आप सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रही 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के दूसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 99 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। भारतीय बल्लेबाजी के धमाकेदार प्रदर्शन और फिर शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को तक घुटनों पर ला दिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े नाम ना होने के बावजूद भी भारतीय टीम ने दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम के घमंड को चकनाचूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले के खत्म हो जाने के बाद मैन ऑफ द मैच बने श्रेयस अय्यर ने क्यों अपना मैन ऑफ द मैच का इनाम सूर्य कुमार यादव को देकर पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया, उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप हमें बताइए कि आप श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव में से किस खिलाड़ी को विश्व कप में भारतीय टीम के लिए खेलता हुआ देखना चाहते हो। आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने आसानी से ऑस्ट्रेलिया की टीम को मात देकर इतिहास रचा था, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में भी ऐसा ही होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को लगा कि वह भारतीय बल्लेबाजी को जल्दी समेटकर इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी, लेकिन उनके सामने दीवार बनकर खड़े रहे श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों नौजवान बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के लिए दूसरे वनडे मुकाबले में 2 गजब के शतक लगाए। तो वही अंत में सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले का वही अंदाज दिखाया जिसके लिए वह माने जाते हैं। सूर्य कुमार यादव ने कैमरन ग्रीन के एक ही ओवर में 4 छक्के लगाते हुए सभी को युवराज सिंह के एक ही ओवर में लगाए 6 छक्कों की याद दिलाई। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में 37 गेंद में 72 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली और इस वनडे मुकाबले को T20 के तरह खत्म किया, और फिर इसी के चलते भारतीय टीम 400 जैसे विशाल लक्ष्य तक पहुंच पाई। और फिर गेंदबाजी के वक्त प्रसिद्ध कृष्णा, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसे अनुभवी गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज बल्लेबाजी वाली टीम को तक बेबस करके छोड़ दिया, और फिर अंत में इस रोमांचक मुकाबले को 99 रनों से जीतकर इस 3 मैचों की वनडे श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। लेकिन मैच खत्म हो जाने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दरमियान इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच चुना गया। सभी को लगा कि इस मुकाबले में तो सूर्य कुमार यादव को पक्का मैन ऑफ द मैच मिलेगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने इस दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से सबसे बेहतरीन और विस्फोटक पारी खेली थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और श्रेयस अय्यर को इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस फैसले से खुद श्रेयस अय्यर तक हैरान थे, लेकिन जब उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिए जाने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तब उन्होंने कहा कि यह खिताब का असली हकदार सूर्य कुमार यादव है। उन्होंने कहा कि भले ही शुभमन और मैं ने इस मुकाबले में शतक लगाए, लेकिन जिस तरह की फिनिश हमें इस मुकाबले में अंत में चाहिए थी, उसी तरह की फिनिश अगर सूर्य कुमार यादव नहीं देते तो भारतीय टीम का इतना बड़ा लक्ष्य बनाने का सपना सपना ही रह जाता। सूर्य कुमार यादव ने जो कैमरन ग्रीन को 4 छक्के लगाए, उसका तो मैं फैन ही बन गया। ऐसी बल्लेबाजी देख मुझे बहुत समय बीत गया था, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने मेरा यह सपना भी पूरा कर दिया। मैं अपना यह मैन ऑफ द मैच का खिताब सूर्य कुमार यादव को देना चाहता हूँ। और फिर श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर इस मैन ऑफ द मैच के इनाम के साथ तस्वीर भी खींची। दोस्तों, श्रेयस अय्यर द्वारा की गई इस हरकत ने सभी का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।